कैसा रहा आज स्कूल में? आज आपका दिन अच्छा रहा? ठीक है। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और अभी टाइम हो रहा है समय 6 और बस अफ्तार की तैयारी कर रही हूँ। मैं व्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। सैरी का मैंने आपको दिखा दिया था क्या क्या हुआ था, क्या क्या खाया था हम लोगों ने। और बस यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, अपने अपने फ्रूट्स को कट करवा रहे हैं और आप भी कर रही हैं अपने फ्रूट चाट। अभी जा रही हैं कुछ फ्रूट्स को वो धोने के लिए। पीछे से तो बना ही सकती हूँ। तो आप ही फ्रूट्स कट कर रही हैं। और ये अली इनका तो रोज़ा खुल गया। आज रोज़ा नहीं अली आपका? असर से मगरिब तक खा लिया आपने? हो क्या खा रहा? ग्रेप्स। अच्छा, तो इन लोगों ने अपनी प्लेट्स अलग अलग बनवा ली। मैंने कहा चलो ये ठीक है, इससे पता रहता है। चलो हाँ, बच्चा खा रहा है, अपनी प्लेट को साफ कर रहा है। और जियान का रोज़ा है बच्चा, माशाल्लाह जियान के सारे रोज़े आ रहे हैं। बस एक या दो रोज़े इसके छूटे थे। मेरी नानी के घर था तो इसकी नानी ने रखने नहीं दिए थे, क्योंकि कह रहा था बटर स्लाइस खा के ही रोज़ा रखूँगा, तो उन्होंने नहीं रखने दिए। और माशाल्लाह अभी तक इसके पूरे आ रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह। चलें इफ्तार की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं पापड़ को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि पकौड़े शकौड़े जल्दी से तैयार कर लूँगा तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। पापड़ तो हमेशा अपनी जगह पर टिक कर देते हैं, तो मैंने सोचा चलो पापड़ कर लें। मैं 3-4 पापड़ ही करूँगी, ज़्यादा नहीं। जियान उनके दादू वगैरह ही खाते हैं पापड़, मुझे अच्छे नहीं लगते पापड़ वगैरह। वो होते हैं ना कचरी बल्ले शल्ले जिसको बच्चे कहते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है तो मैं वो खा लेती हूँ। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, फ्रेंच फ्राइज जो नकली वाले में बनाती हूँ और आलू के गोल वाली पकौड़ियाँ, वो तो बनते ही बनते हैं हमारे घर में। लेकिन आज मैं यहाँ पनीर के पकौड़े भी बना रही हूँ। चलो मैंने कुछ नई टेस्ट को चेंज कर दिया जाए, आपके गोभी के बैगन के कुछ भी नहीं बने पकौड़े शकौड़े, क्योंकि ऑफिस से काफ़ी लेट आ रहे हैं, सामान का मसला रहता है लाने का। और मैंने चलो चलो पनीर है, पालक पनीर बनाऊँगी, तो मैंने कहा चलो पकौड़े इसके कर लेते हैं। कभी कभी होता है ब्रेड पकौड़ा बना लेती हूँ। आज मैं सोच रही थी स्प्रिंग रोल या कोई सा रोल या फिर समोसे बनाऊँगी, आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। बट थोड़ा बहुत अभी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, तो मैं सोचा लो 2-3 दिन बाद बनाएंगे, रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। और मैं सोचती हूँ मैं क्या बोलूँ, मतलब डबिंग करते वक्त तो मैं म्यूज़िक डाल देती हूँ बीच बीच में, क्या बातें करूँ कैसे करूँ। और थोड़ा सा मैं पालक के भी फ्राई कर रही हूँ, बच्चे शौक से खा लेते हैं, वाला भी काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। तो आज का मेरा यही रहा, आलू पालक के पनीर के पकोड़े पापड़ और साथ में वही फ्रूट चाट, मैंगो वगैरह ग्रेप्स वगैरह कट करवा लिया था आज मैंने। अभी मैंगो जो है अच्छे नहीं आ रहे, खट्टे मीठे से आ रहे हैं। और चलो इफ्तार टाइम हो गया, रोज़ा खोल लेते हैं। सबसे पहले खजूर उठाते हैं, मैं तो सबसे पहले खजूर ही खाती हूँ पानी के साथ। तो जियान ने अपनी प्लेट में पूरा मैंगो रख रखा है, बड़ा सिर्फ छिलका उतरवा दिया था। उन्होंने बोला मम्मा ऐसे ही खाऊंगा, कट नहीं करना। मैंने चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पर ही म्यूजिक डाल देती हूँ, डबिंग करना मुश्किल होता है कभी कभी।
पर मैं तैयार कर रही हूँ डिनर की। तो चिकन पालक बना रही हूँ और थोड़ा सा पालक पनीर। पालक पनीर का मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था तो मैंने सोचा चलो पालक पनीर भी बना लेती हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ मैंने छोटी सी अनियन ले ली थी, थोड़ा सा ऑयल ले लिया था। और पालक को ना मैंने 1-2 मिनट के लिए पानी में बॉइल करके इसे मिक्सी में मतलब ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था, बारीक पेस्ट बना लिया था। उसके बाद इसमें मैं पीसी हुई मिर्चें, नमक, पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी काली मिर्च, तो इसको भी अच्छे से डाल के मसाला भून लूँगी। खैर इतना ज़्यादा मसाला नहीं चाहिए होता इसमें क्योंकि पालक की ग्रेवी होती है। तो जितना भी पालक है मैं थोड़ा बहुत ही लिया था, थोड़ा सी क्वान्टिटी का बना रही हूँ 3 लोगों के हिसाब से। थोड़ा सा पानी डाल के और भून दूँगी। जितना भी प्लेट पे चिपका हुआ था मसाला वेस्ट नहीं करना, पानी डालो, इस कढ़ाई में डाल दो। और यहाँ साथ में मैंने पालक में ना पहले चिकन डालने से पहले मैं सीटी मार लेती हूँ 4-5, तो अच्छे से मतलब गल जाता है, मैंने खड़ा खड़ा सा रहता है पालक। चिकन को वॉश करके अब इसमें चिकन डाल लूँगी। अगर आप जल्दी में हो तो सीटी मार दो कुकर में 2-3, अगर जल्दी में नहीं हो तो ऐसे ही पका लो और अच्छा बनेगा। तो लेकिन मैं यहाँ जल्दी में हूँ तो मैं इसमें 3-4 सीटियाँ मार दूँगी। अभी इसमें पानी है तो इसी में हमारा चिकन हो जाएगा क्योंकि पालक पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है। फिर जो पालक पनीर का जो मसाला भुना था उसके अंदर में जितना ही पालक की ये जो पीसा था मैंने ग्राइंड करा था मिक्सर में, इसको सारा पेस्ट डाल दूँगी। अगर आप इसमें और अच्छा टेस्ट लाना चाहते हैं तो काजू और खशखश को पीस के डाल दें इसके साथ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनेगा। और ऊपर से क्रीम डाल दें। क्रीम घर में रखी हुई थी बट वो ख़राब हो गई इसलिए मैंने नहीं डाली, वैसे ऐसे भी बहुत टेस्टी बनता है। अच्छे से मिक्स करके इसमें मैं फिर इसमें थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था, पनीर क्या मतलब एक हाथ से ही कट कर रही थी मैं, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने चलो वीडियो भी तो बनानी है, एक हाथ से कट करो एक हाथ से बनाओ वो वीडियो भी आएगी। पालक पनीर मुझे बॉइल्ड राइस से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। और नान से भी बहुत ज़्यादा, बटर नान होता है ना उससे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने तंदूरी रोटी मंगाई थी करारी वाली, तो मैं सोचा तो अभी चावल नहीं खाने का, रोटी ही खाने का। तो यहाँ मैं एक हाथ से कट कर रही हूँ, मतलब एक हाथ से मोबाइल पर कर रखा है, वीडियो को मैंने फास्ट पका दिया। और जितनी भी पालक की ग्रेवी थी इसमें ऐड कर दूंगी। फिर 10-15 सेकंड के लिए इसको ऐसे ही लो फ्लेम पे करूंगी और हमारा पालक पनीर एकदम बन के रेडी है। थोड़ी सी अब मैं ना इसको प्लेट में निकाली, सिर्फ नमक चेक करना है मुझे कि नमक कैसा है। तो नमक बिल्कुल सही था मेरे हिसाब के, बाकी घर में किसी को डालना होगा तो ऊपर से डाल लेगा। यहाँ मैंने 3-4 सीटियाँ लेने के बाद मैंने चेक करा था तो चिकन गल चुका था। अब इसको 2-3 मिनट के लिए भून लूँगी। और यहाँ बच्चे जा रहे हैं अपनी बड़ी माँ के यानी अपनी फूफी के घर, वहाँ पर इन लोगों की कुछ दावतें ख़त्म वगैरह हुआ है उनके बेटे का, कुरान शरीफ तरावी वगैरह ख़त्म हुई थी तो ये लोग वहाँ जा रहे हैं। मेरे को भी जाना था बट मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही तो मैंने सोचा चलो आप बच्चों को लेके मतलब बाइक पे ही जाएंगे, तो मैंने कहा उन्हें 3 बच्चों को लेकर चले जाओ। तो एक नानी के चले गए थे और बाकी 2 आ गए थे घर पे। चलते हैं अब शहरी की तरफ। शहरी का टाइम है 3:30 बजे की टाइम हो गया थी इनके। और तो मैंने वही उनके घर से आया था आलू गोश्त, तो मैं वही खाया था, वही गर्म कर लिया था। बाकी घर में था चिकन पालक, पालक पनीर। मैंने सोचा चलो कल रात में डिनर में कर लेंगे वो, अभी ये गर्म कर लेते हैं क्योंकि मुझे देख का आलू गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब आलू गोश्त तो फेवरेट ही है बच्चों का, बच्चे के पापा का, मेरा। बट मुझे देख वाला जो होता है ना, जो एकदम होता है मतलब गर्म गर्म सा एकदम निकले, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चे भी शौक से खाते हैं। फिर क्या शेरी की मतलब चाय तो चाहिए होती है तो चाय पी ली थी। उसके बाद तो तबीयत ठीक नहीं थी तो आप ही बर्तन धो रही थी किचन में, मैंने उनकी भी बना ली थोड़ी सी वीडियो। तो आज ना रोटी भी आप ही नहीं बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी, तबीयत ख़राब चल रही है। फिर आपने बर्तन धो लिए, मैंने इतने दांत मांज लिए, दांत मांजने के बाद वजू करा, वजू करने के बाद नमाज पढ़ी। उसके बाद क्या नींद तो आनी नहीं है, 7 बजे तक मैं सोती हूँ, बस यही रूटीन है। फिर 12 बजे उठूँगी, देर से उठो, बहुत ख़राब बेकार रूटीन हुए हुए। तो चलिए व्लॉग यही था, मेरा पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।